अलकनंदा के तट पर चल रहा 3 दिवसीय अधिवेशन का समापन हो गया। समापन के अंतिम दिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की नीति और रीति किसानों के हित में नहीं है, हमारा संघर्ष किसानों के लिए जारी रहेगा। किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि देश का अन्नदाता यदि खुश रहे तो सभी खुश रहेंगे। केंद्र सरकार किसानों के किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सरकार की नीतियों के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान आर्थिक रूप से और कमजोर होता जा रहा है। सरकार MSP की गारंटी देने के वादे को भी पूरा नहीं कर पाई है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसान लगातार कमजोर हो रहा है। किसानों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। 3 दिवसीय अधिवेशन में संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। देश के विकास के लिए किसान का समृद्ध होना जरूरी है। सरकार को किसान हितैषी नीतियां लागू कर किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाने चाहिए। आज हरिद्वार की पावन तट पर गंगा के किनारे जो हम मांग रहे हैं उनको मान लिया जाए। पहली मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे। 80% किसान जो इतना दयालु होता है, जो पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और उसके पास या जेब में पैसा होगा तो सबको खुशहाल कर देगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।